हाय गाइस, जय श्री राम, जय जोहार, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग जय जगन्नाथ स्वामी। आज जगन्नाथ प्रभु जी का देवी स्नान का कार्य यहाँ पर रखा गया है, तो आप लोगों को दिखाएंगे कि विधि विधान के साथ यहाँ पर देवी स्नान का पूजा पाठ यहाँ होता है हमारे आमापारा नगर निगम कॉलोनी रायपुर छत्तीसगढ़ में। तो आप लोग को आज बताएंगे कि यहाँ पर देवी स्नान का विधि विधान जो है सब दिखाएंगे, और जगन्नाथ प्रभु का देवी स्नान है। इसके बाद वो 15 से 16 दिन के लिए उनका तबीयत खराब हो जाएगा, उसके बाद वो सो जाएंगे। फिर उसके बाद उनको बीच बीच में कुछ कुछ दवाई पानी भी देता है, जैसे आम इंसान के लिए होता है वैसे प्रभु के लिए भी होता है। उसके बाद वो जब उठते हैं ठीक होके तो सभी को दर्शन देते हैं और वो अपने मौसी के घर जाते हैं। तो आज देखते हैं देवी स्नान का जो का पूजा पाठ है उसका हम लोग अब विधि विधान हमको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में, तो दिखाते हैं आज का देवी स्नान का पूजा पाठ। ठीक है गाइस, बाय बाय। फाइनली हमारे जो गजपति बनने वाले हैं उनको भी हम लोग बुलाए थे कि आज विशेष पूजा में, तो वो भी हमारे बीच पधार चुके हैं। तो भैया भाभी लोग पूरे फैमिली के साथ यहाँ पर आ चुके हैं, उनके यहाँ तक से यहाँ पर जगन्नाथ प्रभु का विशेष पूजा करवाया जाएगा हमारे पंडितों ने कहा था। तो भैया लोग आए, चलो भैया लोग साहब को मिलवाते हैं ना। आ गया भाई बिट्टू, पहले आ गया। आइए मालिक, आइए। बिल्कुल, और भाई सब बढ़िया भैया। तो भैया लोग भी आ गए हैं, चलिए हमारे साथ भैया लोग भी आ गए हैं बैक साइड में, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर अभी चलेगा विधि विधान के साथ पूजा पाठ, तो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर कैसे हमारे जगन्नाथ प्रभु का देवी स्नान है उसमें विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा पाठ कराया जाएगा, तो उसको भी हम दिखाते हैं हमारे पंडितों द्वारा। तो हमारे पंडित जी भी आ गए यहाँ पर, अभी आ गए सब, तो आपको लेके चलते हैं अभी जगन्नाथ प्रभु के दर्शन के लिए। तो चलिए मंदिर का मैं दिखाता हूँ आपको नज़ारा। तो हम आपको दिखाते हैं हमारे श्री राधा कृष्ण मंदिर, जो कि इस मंदिर में श्री राधा कृष्ण जी की मूर्ति भी है, शिव जी की मूर्ति भी है, और हमारे महाप्रभु जगन्नाथ जी की भी प्रतिमा है। तो आज महाप्रभु जगन्नाथ जी की देवी स्नान का पूजा पाठ यहाँ पूरे विधि विधान से हमारे पंडितों द्वारा किया जाना है। यहाँ आने से एक अलग ही सुकून मिलता है, एक अलग ही आनंद प्राप्त होता है। प्रभु के भक्ति में हम बंध जाते हैं और यहाँ पर एक सुकून महसूस करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम यहाँ पर एक अलग सा एक आनंद जो मिलता है हम उसका लाभ उठाएँ और प्रभु की महिमा में हम खो जाएँ। आप सभी को प्रभु का आशीर्वाद प्रदान होगा। आइए आप लोग भी समय निकाल के कभी कि प्रभु के मंदिर में जब हम आते हैं तो एक अलग सा सुकून, एक अलग सी आनंद की प्राप्ति होती है। तो आइए दोस्तों, हम प्रभु के भक्ति में लीन हो जाएं। बोल जगन्नाथ स्वामी की। चलिए दोस्तों, सर्वप्रथम पंडितों द्वारा और हमारे श्री राम प्रसाद भैया एवं बंटी भैया के द्वारा सर्वप्रथम हमारे पंडितों ने बताया कि रथ का पूजा पहले किया जाएगा, उसके बाद ही देवी स्नान का जो पूजा पाठ है उसको किया जाएगा। तो चलिए आपको लेके चलते हैं रथ के पास, जो कि हमारे पंडित पूरे पूजा पाठ की सामग्री लेके रथ के पास जा रहे हैं। हम सभी चलते हैं वहाँ पर और सर्वप्रथम रथ की पूजा पाठ करते हैं पूरे विधि विधान के साथ। पूरा हरि कीर्तन भी यहाँ पर रहता है, पूरे घंटे की आवाज़ भी आप सुन रहे हैं यहाँ पर। जो एक प्रभु के भक्ति में हम जब रंग जाते हैं, उनके खो जाते हैं उनके रंग में, तो बहुत ही अलग सा आनंद प्राप्त होता है। तो आइए दोस्तों, हम आज प्रभु जगन्नाथ जी के रंग में रंग जाते हैं और उनके भक्ति में खो जाते हैं, एक अलग सा आनंद प्राप्त होता है और एक अलग सी सुकून की प्राप्ति होती है। आज यहाँ पर 14 जून 2022 यहाँ पर रथ का
पूजा पाठ किया जा रहा है, जो कि नवनिर्माण रथ यहाँ पर बनाया गया है हमारी अध्यक्ष महोदय श्री जीवेंद्र शिंदे के कार्यकाल में, और बहुत ही स्ट्रगल किया गया इसका, इस रथ को बनाने में बहुत ही सभी का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। हमारे आमापारा नगर निगम कॉलोनी के सभी भाई बंधु एवं सभी माता बहनों का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा इस रथ को बनाने में। बहुत ही ज़्यादा एक सपना सा था कि रथ को बनाना है, तो आज ये रथ बन के पूर्ण हो चुका है। आपके बीच आप देख सकते हैं हमारे D3 क्रिएशन चैनल के माध्यम से। और दोस्तों, हम आपको हमेशा एक अपडेट देते रहेंगे कि जब भी हमारे महाप्रभु जी का जो भी विधि विधान होगा, हम हमेशा आपको अपडेट देते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूजा से पहले, जब पूजा को सामग्री को लेके आया जाता है, तो हमारे पंडितों ने कहा है हरि कीर्तन, और पूरे पंडितों के साथ यहाँ पर एक फेरा लगाया जाता है, 3 फेरा लगाया जाता है रथ का। उसके बाद ही पूरे सामान को नीचे रख कर पूरा पूजा पाठ को विधि विधान के साथ शुरू किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा पाठ किया जा रहा है, और यहाँ पर हमारे पंडित भी मौजूद हैं, हमारे सभी सदस्य भी मौजूद हैं, मोहल्ले के हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे सभी वरिष्ठ भी मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पंडितों द्वारा बहुत अच्छा विधि विधान से यहाँ पर रथ का पूजा पाठ किया जा रहा है। इसके पश्चात हम लोग जाएंगे जगन्नाथ प्रभु जी का देव स्नान का पूजा पाठ शुरू करेंगे, और यहाँ पर देख रहे हैं चक्कों का पूजा पाठ किया जाता है, फिर लकड़ियों का भी पूजा पाठ किया जाता है। दोस्तों, मैंने आपको एक पूजा नहीं दिखा पाया था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, कि जब लकड़ी आया था हमारा सर्वप्रथम लकड़ी रथ बनने के लिए, उस समय पूजा पाठ किया था, काफ़ी रात हो गई थी, इसलिए मैं थोड़ा सा शूट नहीं कर पाया था, बिजी था थोड़ा सा, और मेरा ब्लॉग कुछ आ भी नहीं रहा था। देखिए, हमारे रामप्रसाद भैया चक्कों पे पानी डाल रहे हैं, हमारे बंटी जी भी हैं, हमारे उपाध्यक्ष देवानिताम जी भी हैं, हमारे अध्यक्ष जीवेंद्र सेंद्र जी, कोषाध्यक्ष मनोज कुमार जी भी, हमारे सचिव देवेंद्र नेताम जी भी हैं, और हमारे पंडित भी हैं यहाँ पर मौजूद, हमारे तीनों पंडित। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बहुत ही विधि विधान से यहाँ पर पूजा पाठ किया जा रहा है, और हमारे पंडितों ने बहुत ही, उनके द्वारा बहुत विधि विधान बताया जाता है, हमारे जो भी आते हैं हमारे चीफ गेस्ट, हमारे अतिथि, उनको बताया जाता है कि इस विधि विधान से यहाँ पर पूजा किया जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पर कैसे विधि विधान से पूजा पाठ किया जा रहा है, हर एक चीज़ छोटी से छोटी चीज़ का यहाँ पर पूजा पाठ करवाया जा रहा है। आप हमारे साथ यहाँ पर सुन सकते हैं घंटे की आवाज़ को भी, जो कि बहुत ही मधुर और बहुत ही आनंदमयी होती है। जब भी किसी मंदिर से घंटे की आवाज़ आती है, तो बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है। तो वैसे ही हरि कीर्तन और घंटी की आवाज़ प्रभु को बहुत पसंद है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पसंद है उनको भी, कि बहुत एक अलग से सुकून मिलता है प्रभु को, तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर घंटी और हरि कीर्तन की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। हमारी विधि विधान से हमारे यहाँ पर पूजा किया जाता है रथ का भी। रथ के पश्चात हम लोग चलेंगे जगन्नाथ प्रभु जी का, वहाँ पर हम लोग को उनका भी देव स्नान का पूजा पाठ। अभी हमारे जितने भी पूजा पाठ के सदस्य हैं, सभी को नारियल दिया गया, यहाँ पर नारियल को फोड़ा जा रहा है, फिर उसके बाद वहाँ पर नारियल को चढ़ा के रख दिया जाएगा। आप स्वयं देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी अलग से एक आनंद आता है जब कभी भी कोई भी देवी देवताओं का पूजा पाठ होता है। तो काफ़ी लोगों ने इसमें मेहनत बहुत किया है, और काफ़ी लोगों ने सहयोग भी किया है कि रथ को बनाने में बहुत सहयोग किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने रथ का यहाँ पर पूजा पाठ कर लिया है। अब रथ के पूजा पाठ के बाद यहाँ पर हम लोग करेंगे श्री जगन्नाथ प्रभु का देव स्नान का कार्यक्रम चालू करेंगे यहाँ पर पूजा पाठ का विधि विधान से। तो चलो अब लेके चलते हैं विधि विधान से यहाँ पर पूजा पाठ के कार्य हम लोग अब चालू करते हैं जगन्नाथ प्रभु जी का, ना तो आपको दिखाते हैं जगन्नाथ प्रभु जी का। अब हम लोग आ गए दोस्तों जगन्नाथ प्रभु के शरण पे, अब उनका देव स्नान का पूजा पाठ यहाँ पर शुरू किया जाएगा हमारे अतिथियों द्वारा, हमारे पंडितों ने हमारे अतिथियों द्वारा यहाँ पर प्रभु को देवी
स्नान करवाया जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे अतिथि भी यहाँ पर हैं, हमारे कई सदस्य, हमारे माताएं बहनें भी यहाँ पर उपस्थित हैं। इन सभी से देवी स्नान करवाया जाएगा हमारे महाप्रभु जगन्नाथ जी को। तो हमारे पंडित जी ने शंख उठा लिया है और एक पंडित द्वारा यहाँ पर पुष्प की वर्षा की जा रही है। हमारे अतिथियों को यहाँ पर सर्वप्रथम पानी गंगा जल से यहाँ पर अभी स्नान कराया जा रहा है, जिसमें हल्दी भी मिक्स है और आपके कई सारे पुष्प भी यहाँ पर मिक्स हैं, उससे स्नान कराया जा रहा है महाप्रभु जी को। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर महाप्रभु जी को स्नान करवाया जा रहा है और बहुत ही सुंदर सा ये नज़ारा है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर हमारे पंडितों द्वारा बहुत ही अच्छी विधि विधान से यहाँ पर पूजा पाठ करवाया जा रहा है और बहुत ही अच्छा सा महसूस हो रहा है। बहुत ही सुकून महसूस हो रहा था जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, यहाँ पर एक अलग सा सुकून महसूस हो रहा था जब हमारे महाप्रभु को देवी स्नान करवाया जा रहा था। अभी दूध दही शहद से भी यहाँ पर स्नान करवाया जाएगा। आप देखेंगे हमारे साथ यहाँ पर पुष्प सब, और देखो दूध के साथ अब करवाया जा रहा है यहाँ पर देवी स्नान प्रभु को। यहाँ दूध की धारा बह रही है, आप देख सकते हैं महाप्रभु के ऊपर। इसके पश्चात शहद दही ये सभी से भी उनका स्नान करवाया जाएगा हमारे पंडितों द्वारा। काफ़ी भीड़ भी रहती है। और दोस्तों ये चीज़ मत भूलिएगा, आपको 1 जुलाई को आना भी है। आप सभी को निमंत्रण है मेरे हमारे D3 क्रिएशन की ओर से। देखिए दोस्तों, शहद से भी नहलाया जा रहा है प्रभु को। इतने विधि विधान से यहाँ पर उनका देवी स्नान का कार्य किया जाता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर नहलाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जगन्नाथ स्वामी जी को पूरा अच्छे ढंग से नहलाया जा रहा है। प्रभु की जो बड़ी प्रतिमाएं हैं, अब उसे भी सुंदर ढंग से नहलाया जा रहा है हमारे पंडितों द्वारा। शंख से दूध पानी शहद लेके प्रभु को भी स्नान करवाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से स्नान करवाया जा रहा है तो हमारे पंडितों द्वारा। काफ़ी विधि विधान से प्रभु का, हम प्रभु का तो विधि विधान पूरा नहीं कर सकते, लेकिन जितना विधि विधान हमें आता है हमारे पंडितों को, उतना से वो यहाँ पर उनका पूजा पाठ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर पूरे विधि विधान से उनका देवी स्नान का कार्य किया गया। और अभी यहाँ पर हमारे माताएँ बहनें भी यहाँ पर अब स्नान करवा रहे हैं हमारे महाप्रभु जी को। उसके पश्चात स्नान कराने के पश्चात फिर प्रभु जी को उनको ले जाके गर्भगृह में रखेंगे, वहाँ पर वो आराम करेंगे कुछ दिन। फिर उनको फिर तबीयत जब उनकी ख़राब होगी तो फिर उनको दवाई भी दिया जाएगा, एक आम इंसान की तरह उनको भी दवाई दिया जाता है। काढ़ा वाढ़ा पिला के पंडितों जी उनको देखभाल करेंगे। टाइमिंग 10 बजे हवन रहेगा यहाँ पर।
रात रात के पास ही रहेगा, रात यही रहेगा, रात के पास ही रहेगा। तो अभी हवन हवन कर देंगे, मतलब भैया को दो बार आना जाना हो जाएगा। पाँच बजे नहीं, चार बजे, तीन बजे। जगन्नाथ स्वामी की जय।